हवा का आता पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्वेटर पहन के बाहर निकला करो, एंटीवायरस लेके। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब ठीक होगे और मस्त होगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। बेसिकली आप सभी को पता है कि मुंबई में काफ़ी अधिक गर्मी हो चुकी है, उस कारण हम निकल चुके हैं समुद्र के किनारे जा रहे और थोड़ा सा चील करेंगे और इंजॉय करेंगे और कुछ नहीं। बस बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप अच्छा लगा मुझे, तो इनसे परमिशन लेके हमने वीडियो थोड़ा सा शूट किया है। तो बस चलते हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू सर जी, चलते हैं भाई। बहुत काफ़ी अधिक गर्मी हो रही है और फटाफट चल के थोड़ी ठंडी हवा खाना है, क्योंकि भाई मुंबई में जो गर्मी है ना भाई, बहुत अलग ही गर्मी चल रही है भाई। तो चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आता पता नहीं है, तो हमने लिया स्ट्रीन। अब पिएगा थोड़ा सा भाई, इससे ही ठंडी थोड़ा महसूस हवा करेगी। और यार देखते हैं फिर बाकी। भाई बाइक में घूम रहे तो वही ठंडी हवा लग रही थी, और यहाँ पर आने पर ऐसा लग रहा है कि भाई जरा सा कुछ हवा का आता पता नहीं। फ़ोन करना पड़ेगा, फैजान फ़ोन कर जरा। ये गाड़ी है तो भाई वहाँ पर इतना गर्म हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो भाई वहाँ से निकलते। और अब यही सही तरीका है कि भाई बाइक से थोड़ा थोड़ा घूमते घूमते जाओ मस्त आराम से भाई। यही ठंडी हवा जो है, यही हवा तो हमें थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो भाई क्या ही बता, अभी आप सभी को पता है कि गर्मी में भाई पंखा भी स्लो हो जाता है। एक्चुअली वो स्लो नहीं होता है, उसकी हवा की स्पीड जो रहती है वो सेम ही रहती है, पर हमें लगता है कि स्लो हो गया है, पर कुछ कह नहीं सकते भाई। ये थोड़ा सा समस्या है और कुछ नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो मैं बोला कि भाई चलो थोड़ा सा बात करते करते बाइक चला लेता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हेलमेट वगैरह पहन लेना चाहिए, फिर बात करना चाहिए आप लोगों से। तो मैं हेलमेट वगैरह पहन लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। तो भाई तुम्हारा भाई ने हेलमेट वगैरह पहन लिया है, और बस अभी तुम्हारा भाई ने देखा कि व्यू क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है मस्त। तो भाई एकदम वाकई में एकदम मस्त व्यू आ रहा था ऐसे में, तो बस तुम्हारा भाई ने स्टार्ट कर दिया इस वीडियो को। तो बेसिकली सीन ये है कि भाई मुंबई में इतनी गर्मी के कारण थोड़ा सा समझ रहे हो भाई, मच्छर वच्छर भी काट रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। तो रोड वोड क्रॉस कर लेते पहले हम। हाँ तो टॉपिक पे आते हैं कि भाई अचानक से गर्मी आ कैसे गई। अब मुझे तो ये पता नहीं कहाँ से आ गई। अगर मुझे पता चला ना, मैं आप लोगों को YouTube पर जरूर बता दूंगा कि गर्मी आई कहाँ से है। चल झूठा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि गर्मी कहाँ से आई है, तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप सभी को डेली अपडेट देते रहूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, धन्यवाद। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मी आ गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्वेटर पहन के बाहर निकला करो, क्योंकि ह्यूमिडिटी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह घूम रहे साथ में गर्मी के, तो आप लोग एंटीवायरस लेके। अच्छा चलो, सॉरी क्या बोलते हो, सैनिटाइजर लेके चलो। या नो या सैनिटाइजर मारते रहो हाथ पे और बैक्टीरिया से बचते रहो। अच्छा धन्यवाद। आप तीसरी पॉइंट पे आते, अरे माँ का आगे नाकाबंदी लगी ले, रुक जा रुक जा, मैं बाद में मिलता हूँ, खत्म। तो भाई रिसेंटली मुझे फ़ोन आया बॉलीवुड से रात के 3 बजे। मैंने फ़ोन उठाया, बोला कि भाई सॉन्ग के लिए कोई बंदा ढूंढ रहे, आप काम करोगे? मैं समझ गया था कि भाई पक्का गर्मी 2 बनने वाली है। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया कि स्क्रिप्ट क्या है, तो बोले भाई सॉन्ग के लिए है, तो स्क्रिप्ट में आपको बताऊँगा, पहले आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जानना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें हीरो और हीरोइन कौन है।
तो बोलता है हीरो का पता नहीं, हीरोइन है। मैंने बोला कौन है? मेरे दिमाग में पहले ठौस आ गया था इसमें नूरा फतेह का होने वाली है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी में भाई लास्ट टाइम में जो नूरा फतेह ने हाई गर्मी वाली सॉन्ग बनाई थी, उसके बाद भाई इस साल तो और गर्मी पड़ गई है मुंबई में। भाई इस वेदर में देखो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है इस वेदर में, इस गर्मी में, समर सीज़न में ऐसा लग रहा है कि गर्मी 2 आने वाला है। तो हीरो जो भी हो भाई, गर्मी 2 मत बनाओ यार, बहुत गर्मी हो रही है यार। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप यू इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।